गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में अपना एक टॉपिक कंप्लीट किया था, रजिस्टर्स एंड सीरीज। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके स्टूडेंट, पैरेलल में क्या होता है, कोई भी सर्किट डायग्राम में जितने भी हम रजिस्टर्स को ज्वाइंट करते हैं उन सभी को एक पॉइंट से ज्वाइंट करते हैं। उस पॉइंट से फिर हम सारे अलग अलग ही रजिस्टर्स होते हैं और फिर इनके दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट से ज्वाइंट करते हैं। इट मीन्स आपस में इन तीनों रजिस्टर्स का कोई भी लिंक नहीं होता है, ये तीनों अलग अलग किसी एक दूसरे पॉइंट से ज्वाइंट होते हैं। तो हम इस तरह से जब ये जुड़े हुए होते हैं तब हम इसको कहते हैं दीज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट, पैरेलल आपको समझ आ गया। पैरेलल में क्या होता है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से नहीं जुड़कर बल्कि एक पॉइंट से वो सारे जुड़े हैं। इनका आपस में कनेक्शन नहीं है लेकिन ये तीनों एक इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं और दूसरा इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो आपको ये समझ आ गया, पैरेलल समझ आ गया। वेरी गुड, अब हम लोग देखेंगे इस पैरेलल में ये बैटरी है। जब बैटरी से हमारा ये आई यहाँ पर आ गया तो ये करंट आई यहाँ से इन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आई वन, इसमें आर टू में हो जाएगा आई टू और थर्ड में हो जाएगा आई थ्री। करेंट यहाँ पर जो पूरा एक आ रहा था वो यहाँ आकर इन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन इस पूरे में जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, वी ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले जब हमें पता है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल करंट क्या है, आई है, लेकिन वो यहाँ पर आकर एक्स पॉइंट पर आकर थ्री अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाती है, यानी आर वन आर टू आर थ्री। इट मीन्स जो टोटल इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, सम होगा, इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लो इन दिस सर्किट। सो वी कैन राइट दिस आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें से I की वैल्यू निकालिए, देन वी गेट I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। सो दिस वैल्यू पुट इन दिस, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I वन मीन्स V इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है वो V, सब में V ही रहेगा, बट R की जगह R क्या चेंज रहेगा, आर वन। सो V राइट हियर V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू प्लस V अपॉन आर थ्री। ओके, अब इस सभी में से कुछ कॉमन है, यस V इज कॉमन, V अपॉन आर इज इक्वल टू V, हमने यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके स्टूडेंट, वी से वी कैंसिल, देन वी गेट वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अगर पैरेलल में हमने रजिस्टर्स को ज्वाइन किया है, कंबाइन किया है, तो उसका जो रजिस्टर्स होगा वो कितना निकलेगा, वन अपॉन आर, इट मीन्स रेसिप्रोकल। सो वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस जॉइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सम होगा वो उसके टोटल सर्किट के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। इट मींस वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। यहाँ पर केवल थ्री है इसीलिए थ्री तक, अगर फोर हो गए तो प्लस वन अपॉन आर फोर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से चलता रहेगा। तो आपको क्लियर हो गया सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में जब रजिस्टर होता है तो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर अप टू डॉट 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 डॉट। और अगर
पैरेलल में होता है तो रेसिप्रोकल, इट मींस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस 1 अपॉन r4 प्लस टू डॉट डॉट डॉट। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको एक पैरेलल समझ में आ गया। वेरी गुड, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अ रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये स्टूडेंट हमें सर्किट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो तीन रेजिस्टेंस है ये वही पुराना वाला पैरेलल के लिए जो हमने यूज किया था वही सर्किट है। इसमें वैल्यूज पुट कर दिए, इट मींस जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम का, 5 ओम। सेकंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, थर्ड रेजिस्टेंस इज 30 ओम एंड यूज दिस बैटरी 12 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, क्लियर? कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट ए पूछा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, हर रजिस्टर्स में बताइए कितनी करंट फ्लो हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ए हमें फाइंड आउट करना है करंट ईच रजिस्टेंस यानी कि आई वन आई टू एंड आई थ्री, बिकॉज थ्री रजिस्टेंस हैव अ थ्री डिफरेंट करंट, तीनों अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग करंट फ्लो हो रही है, तीनों में अलग अलग होगी तो हम वो निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके स्टूडेंट, ये तो टोटल करंट का था, अब हम डिफरेंट यानी सब में अलग अलग चाहिए, ईच रजिस्टर हर रजिस्टर में अलग अलग निकालेंगे, तो हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट में, इट मीन्स आई वन। सो आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, वी वॉट इज द वी 12 volt. So we write this value. V is equal to 12 volt. It's a capital V. I 1 हमें find out करना है. R 1 कितना है student? R 1 is a 5 ohm. So put this value V upon R 1. V 12 upon 5. 12 upon 5. 5 2s are 10 and 0.5 4s are 20. So current is 2.4 ampere. यानी कि I1 हमारे first register में कितनी current flow हो रही है? 2.5 ampere. Same as this I2. I2 is equal to V upon R2. Put this value. V तो हमारा same रहेगा 12 and R2 is a 10. So put this value. 12 upon 10, 10 का डिवाइड करेंगे, then we get 1.2 ampere. Okay student, next I3 is equal to V upon R3, put this value, R3 is a 30 ohm, so V की value 12 upon 30, so 30 is divided by 12, 3 4s are 12 and 3 times 30. 10 divided by 4, then we get 0.4. Clear student? तो हमारा question number first complete हो गया। Current हमने अलग अलग resistance में बता दी, अलग अलग resistance में first में 2.4 ampere, second में 1.2 ampere and third में 0.4 ampere. So now second question is B. The total current. Total current क्या हो? So total current student, you know very well. I is equal to I1 plus I2 plus I3. Put these value. I1 is 2.4 plus I2 is 1.2 plus 0.4. 4 plus 4, 8 plus 2, 10. 0 carry 1, 2, 4. It means हमारे पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 4 ampere. And third question is the total resistance. अब हमें क्या निकालना है? Total resistance. So total resistance is student हमें दिख रहा है कि जितने भी रजिस्टर हैं ये सभी किसमें हैं? पैरेलल में. So पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. क्योंकि यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों की वैल्यूज पुट करके ऐड कर लीजिए, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30. इनको सॉल्व करने के लिए वही मैथमेटिक्स ट्रिक लगाइए, पहले हम क्या करेंगे 5, 10 और 30 का एलसीएम निकालेंगे. सो
फाइव टेन एंड थर्टी इन तीनों का एलसीएम निकाल लेता है यहाँ पर स्टूडेंट। टू से टू फाइव सर टेन एंड फिफ्टीन टाइम, फिर थ्री फाइव फाइव एंड फाइव एंड फाइव वन वन वन, फाइव थ्री सर फिफ्टीन, फिफ्टीन टू सर थर्टी, सो इट्स एलसीएम इज थर्टी। फाइव सिक्स जा थर्टी, सिक्स वन जा सिक्स, प्लस टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी वन जा थर्टी, सिक्स प्लस थ्री इज नाइन, नाइन प्लस वन इज टेन, सो वी गेट टेन अपॉन थर्टी, इट्स अ कैंसल, सो वी गेट वन अपॉन थ्री, सो वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, सो वी गेट आर इज इक्वल टू थ्री ओ, इट्स अ आंसर। इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 3 ओ। क्लियर स्टूडेंट, जो टोटल हम यूज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 3 ओम का। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट ए बी एंड सी ये क्वेश्चन एक था, उसके अलावा